गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं 15 दिन के लिए अपने वर्क फ्रॉम माउंटेन के लिए। तो उसका आज फर्स्ट डे है, तो हम आज जा रहे हैं नागर विलेज को एक्सप्लोर करने। एक्चुअली हम आए हैं नागर विलेज जो कि मनाली से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है आई गेस। तो यहाँ से मनाली आपको पड़ेगा लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पे। तो चलिए करते हैं नागर विलेज को एक्सप्लोर। तो विलेज में आप लोगों को 9-10 पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक है नागर कैसल। आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पे जब वी मेट की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट। देन यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं जो कि बहुत ही एंशंट हैं, और मॉनेस्ट्रीज भी हैं यहाँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना 15 डेज वर्क फ्रॉम माउंटेन की लोकेशन। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जा रहे हैं हम पहले चलेंगे नागर कैसल, आर्ट गैलरी, बाकी कैफेज भी हैं यहाँ कुछ। सिर्फ 250 लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ। मैं किसी गांव की पॉपुलेशन लिखी है, नागर की पॉपुलेशन तो 250 से बहुत ज़्यादा होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड भी लगा हुआ है, सही है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे भी। ये बोर्ड देख सकते हैं आप, 2 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे नागर। तो ये यहाँ से मेन नागर के बाजार की डिस्टेंस है। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि हमारी वर्क लोकेशन से 10 मिनट की दूरी पे होगा। तो ये एक बहुत अजीब सा बट सुंदर पेड़ दिखाया हमें, अच्छा है। तो हम पहुँच चुके हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी का रास्ता यहाँ से है आपका, यहाँ से चढ़ के ऊपर। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये देख सकते हैं आप रोरिक हिमालयन फॉल एंड ट्राइबल आर्ट म्यूजियम। तो ये पार्ट है रोरिक मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रस्ट का। ये सामने है आर्ट गैलरी का टिकट काउंटर। तो टिकट आपको ऊपर आर्ट गैलरी में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अभी कोई है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप कुल्लू राजाज मेमोरियल स्टोन्स। तो यहाँ पे जितनी भी पुरानी एंशियंट स्टोन आर्ट मिली है नागर में, वो सब यहाँ पे रखी गई है। ये सामने है ग्रीन थिएटर। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं नागर विलेज के। चलिए अब चलते हैं ऊपर रोरिक आर्ट गैलरी में। तो ये नागर विलेज के आसपास बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पे मनाली और आसपास कुल्लू से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। रोरिक आर्ट गैलरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट में रशियन और हिमाचली ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाया है, और दूसरे पार्ट में उरुस्वति हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम बनाया गया है। मास्क लगा लेते हैं गाइस, नो मास्क नो एंट्री। यहाँ पर आर्ट गैलरी के पीछे का व्यू, देवदार के लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो चलिए लेते हैं टिकट्स। तो टिकट्स हैं यहाँ के 50 रुपीज़ पर पर्सन, प्लस आपको अगर फोटोग्राफी करने हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये जो इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट है, निकोलस रोरिक एक बहुत बड़े रशियन पेंटर, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर थे, जो कि 1970 में इंडिया में नागर में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी हम हैं फॉल कार्ड म्यूजियम में। तो आप ये देख सकते हैं नागर की पेंटिंग्स। तो चलते हैं म्यूज़ियम के फर्स्ट रूम में। तो इस रूम में रशियन कल्चर को दिखाया है, रशियन ड्रेसेस, वहाँ की जो डॉल्स होती हैं, वहाँ के जो आर्ट है, और जो भी रशियन लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रख रखा है। ये सामने देख सकते हैं आप एनाबेल जैसी डॉल दिख रही है, बट क्यूट है। ये दूसरी बड़ी वाली डॉल, ये है रशियन ड्रेसेस। तो चलिए चलते हैं आप दूसरे रूम में। तो इस रूम में आप देख सकते हैं वुडन आर्ट और स्टोन आर्ट, और कुछ हिमाचल की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सामने वुडन का गेट रखा हुआ है एक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, जो कि है ट्रेडिशनल हिमाचली कल्चर। ये देख सकते हैं आप हिमाचली स्कार्फ, सॉक्स, हिमाचल की कुछ एंशियंट चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पे।
तो ये देख सकते हैं आप हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस। ये है हिमाचल की म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो कि हिमाचली वेडिंग्स में यूज़ होते हैं और करंटली भी ये सब यूज़ होते हैं हिमाचल की किसी भी वेडिंग में। नेक्स्ट रूम में निकोलस रोरिक जिस जिस देश में गए थे उस देश को साइन किया हुआ है ग्लोब के ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में म्यूज़ियम के, जहाँ पर निकोलस रोरिक और उनकी वाइफ के स्केचेस और पेंटिंग्स रखे हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर पर उनकी साइंटिफिक लैब्स और उनका ऑफिस भी है। तो ये देख सकते हैं आप निकोलस रोरिक की सारी पेंटिंग्स। इस वाले रूम में उनकी और भी पेंटिंग्स दिखाई हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया है। नेक्स्ट रूम में उनकी वाइफ हेलेना के स्केचेस रखे हुए हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। हेलेना रोरिक भी एक आर्टिस्ट, राइटर और फिलोसोफर थी। यहाँ पे वॉल पे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखाए हैं जैसे कि नागर, कुल्लू, मनाली, किन्नौर, स्पीति वैली, लाहुल वैली। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे सबसे पहले सामने आपको पालकी देखने के लिए मिलेगी एक। देन फर्स्ट रूम में आपको जॉर्ज रोरिक का ऑफिस देखने के लिए मिलेगा जो कि निकोलस रोरिक के बड़े बेटे थे। जॉर्ज रोरिक एक साइंटिस्ट थे, साथ में राइटर और फिलोसोफर भी थे। उन्होंने ही 1928 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था। यह देख सकते हैं हम जॉर्ज रोरिक का ऑफिस। यहाँ पे बहुत सी रिसर्च बुक्स भी रखी हुई हैं, नॉवल्स और जर्नल्स भी रखे हुए हैं। कुछ एंशियंट चीज़ें भी देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे। देन नेक्स्ट रूम में आपको जॉर्ज और निकोलस रोरिक की साइंटिफिक लैब्स देखने के लिए मिलेंगी जिस पर जॉर्ज रोरिक सॉइल्स के एक्सपेरिमेंट्स करते थे हिमाचल की और डिफरेंट वर्ल्ड सॉइल्स की। ये देख सकते हैं आप लैब्स और कुछ मशीन्स रखी हुई हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड। लोकेशन बहुत बढ़िया है गाइस, पीस, ग्रीनरी, ब्यूटी सब है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं रोरिक मेमोरियल हाउस में। तो ये रोरिक फैमिली हाउस है जहाँ पे लगभग 20 साल तक रोरिक फैमिली रही थी। यहाँ पे निकोलस रोरिक की समाधि भी है। टिकट ले लिया था पहली। ये स्टैचू है निकोलस रोरिक और उनकी वाइफ हेलेना रोरिक के। तो ये जो हाउस है बहुत पुराना है जो कि इंग्लिश कर्नल हेनरी ने बनवाया था किसी, बाद में ये मंडी के राजा ने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद निकोलस रोरिक ने यह मंडी के राजा से ख़रीदा था और वो यहाँ पे सेटल हो गए थे। तो यहाँ पे नीचे है स्वयातोस्लाव रोरिक एंड देविका रानी मेमोरियल जो कि उनके छोटे बेटे थे। तो इस आर्ट गैलरी में स्वयातोस्लाव की फोटोग्राफी और उनके पेंटिंग्स हैं, साथ में देविका रानी जो कि फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी उनकी फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप देविका रानी और स्वयातोस्लाव रोरिक की फोटो। यहाँ पे टाइम क्लॉक भी लगा रखी है जो कि रशियन और इंडियन है। यहाँ पे कुछ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की फोटोज भी अवेलेबल हैं। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे कुछ दिन रुकी थी रोरिक फैमिली के साथ। ये रजिस्टर है, यहाँ पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं म्यूज़ियम आर्ट गैलरी के बारे में। इंडियन फर्स्ट एक्ट्रेस देविका।
तो ये सामने आप देख सकते हैं निकोलस रॉयक की मोटर कार। P27 हॉर्स पावर की है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है PBN133। डॉज जो ब्रांड है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, 1930s की ये ब्रांड है। तो जब से अभी इसको रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब का है। तो जैसा कि भाई ने बताया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1930 की रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब। आगे का इसको भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। तो अब चलते हैं घर के अंदर, यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो देख के आके मैं बताता हूँ क्या क्या है अंदर। बाय बाय। तो घर के अंदर निकोलस रॉयक का स्टूडियो, जॉर्ज रॉयक का स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और लाइब्रेरी है। घर के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बुक्स और स्टडी मटेरियल रखा हुआ है।